हम ये बताना चाहते हैं कि जब डोंगरी एक्सप्रेस की टीम दोनों पड़ोसियों की शिकायत पर वहां पहुंची तो ठाकुरपाड़ा एरिया में मौजूद बाईपास से गुजरने वाले नाले में कई टन कचरा पड़ा देखा। जब हमने पड़ोसियों से उनके आपसी विवाद पर बात की तो हमें ये पता चला कि इनका झगड़ा बिल्डिंग के नीचे पड़े मामूली से कचरे पर हुई। ये आपस में दोनों पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, एक दूसरे को समझ के नहीं ले रहे। ये देखो, जो के नाले में पड़े कचरे के मुकाबले में 1% भी नहीं था। जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उनसे पता चला कि यहाँ के नगर सेवक सिर्फ और सिर्फ बारिश के इंतजार में होते हैं और ये इंतजार करते हैं कि बारिश का पानी इस नाले से गुजरे और किसी तरह से ये कचरा साफ हो जाए। झगड़े के दौरान दोनों पड़ोसियों ने वार्ड नंबर 31 के नगर सेवकों पर निकाला गुस्सा और क्या कुछ कहा, आइए जानते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ परवेश शेख डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से। आज हम आए हैं मुमरा शहर के ठाकुरपाड़ा एरिया में, जो कि ठाकुरपाड़ा और हनुमान नगर से बीच के लिए एक रास्ता जाता है। तो हमारे व्यूवर्स ने हमें कॉल करके बुलाया था, इनकी कोई परेशानी है कि अड़ोस पड़ोस में यहाँ पे जो दुकानें चलती है वहाँ पे कचरे वगैरह पड़े रहते हैं, बिल्डिंगों से कचरे आते हैं। तो इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया, आइए इनसे इनका मुद्दा जानते। जादव भाई, क्या परेशानी आपको? परेशानी ये है कि पहली बात यह है कि यहाँ जो साफ़ सफाई महानगर के थ्रू होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरा, यह बिल्डिंग के आजू बाजू में जो कचरा है वो कचरा हमेशा इधर पड़ा रहता है, दिन दिन कचरा बढ़ जाता है। जोर से हवा आती है या कचरा उड़ के पूरा मेरे घर पे आता है। अच्छा, तो ये कचरा मतलब ये जो कचरे है ये सारा उड़ के आपके घर के पास आता है? हम नहीं जानते, लेकिन ये कचरा हो रहा है। ये कचरा कुंडी नहीं है, ये साफ जगह है, ये साफ जगह होना चाहिए। ये बिल्डिंग वाले भी उसका केयर नहीं ले रहे हैं और आजू बाजू केयर नहीं ले रहे। ये वार्ड में कितने मतलब नगर सेवक का वार्ड आता है? चार नगर सेवक है। चार नगर सेवक, कोई भी इधर आया नहीं आ रहा है, कोई भी इधर का ये तकलीफ नहीं देख रहा है। इन 5 सालों में क्या उन्होंने कभी आके इस तकलीफ को जानने की कोशिश नहीं किया? कुछ नहीं, कोई नगर सेवक आता नहीं। और जो घंटा गाड़ी चलती है वहाँ कुछ नहीं कोई आता है? कोई घंटा गाड़ी नहीं आती है, ना घंटा बजाने आते है, ना घंटा गाड़ी लेके आते। हम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे उनको ये कुछ जगह को लेकर भी विवाद है, तो ये जगह देख लीजिए, जगह के ऊपर भी विवाद हो रहा है। ये आपस में दोनों पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, एक दूसरे को समझ के नहीं ले रहे। ये देखो, हमने अपनी पूरी कोशिश की दोनों तरफ को समझाने की लेकिन दोनों तरफ समझने को तैयार नहीं हो रहे। क्या 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 बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? जगह का क्या बोल रहे हो? जगह जगह का जगह जगह का क्या बोल रहे हो? अच्छा, ये जगह को लेके क्या विवाद है? जगह को लेके क्या विवाद है? कौन बोल रहा है हमारी जगह है? कौन बोल रहा है? कौन सी ये जगह? ये जगह राजू भाई, ये जो आप पे मतलब आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपकी दुकान पर जो कचरा निकलता है वो लोगों के घरों तक उड़ के जाता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? किसने बताया? हमें हमारे व्यूवर्स ने बताया है। क्या डालते हैं कि जो आपकी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको, दुकान से मेरे यहाँ से कचरा उड़ता है, मेरे दुकान में कितने जन कचरा इधर खाते हैं, इधर से चले? नहीं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे गुटके वगैरह की भी थैलियाँ है। तो देखो, मेरे दुकान में गुटका है क्या? नहीं, वो बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो गुटके वगैरह है ये कहाँ से आते हैं? मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, जिसने पहले आपको जवाब दिए होगा उसको पहले पूछो, मैं गुटका बेचता हूँ क्या? अभी मेरे इधर डस्टबिन है, मैं इधर कचरे का रखता है, करो ना। गुटका खाने वाला जो रहता है रस्से से उसको मैं मना कर सकता हूँ क्या? तू मत उसका खाना इधर थूकना। नहीं, ये जो नहीं, एक पूछा आपको तो उसका जवाब दो पहले, मेरे को इसको मना करूँ क्या? नहीं, जवाब आपको देना है, हम सवाल करेंगे, जवाब आपको देना है। बताओ, उसने गुटका खाया फेंक दिया है क्योंकि ये आपकी दुकान के बाहर पड़ा है, ये जो कचरा पड़ा है आपकी दुकान के सामने पड़ा है, कचरा दुनिया का उड़ के आता है, उसको मैं रोक नहीं सकता। आता है तो हम लोग मिलके झाड़ू मारते, इधर जमा करके जला डालता हूँ मैं। नगर सेवक तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहोगे? कोई नगर सेवक किसी के काम का नहीं है। ये भी अभी 5 साल हो गया कंप्लेंट,
वो नगर सेवक इधर पानी नहीं पूछने आते, मैं आदमी को खाना पूछने आया। लॉकडाउन में किसी ने पूछा भी नहीं तुमको खाना चाहिए घर की कभी। ठीक है, चलिए हम आपकी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।